Assalamualaikum, welcome to my guide. इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से WinRAR सॉफ्टवेयर के जरिए अपने फोल्डर्स को, फाइल्स को, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन पे पासवर्ड लगा सकते हैं कि विदाउट हमारी परमिशन के कोई भी उन फाइल्स को ओपन ना कर सके, यूज ना कर सके। तो वो किस तरह से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है वॉलपेपर्स के नाम से, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूँ, उस पर पासवर्ड लगा दूँ। तो वो किस तरह करूँगा, मैं इस पर टिक करता हूँ और एड टू आर्चीव का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, उसको सेलेक्ट करता हूँ। और अभी मुझे खाली से पासवर्ड लगाना है, मैं यहाँ पे सेट पासवर्ड करता हूँ और पासवर्ड इंसर्ट कर देता हूँ 123, और यहाँ पे मैं इसको रिकन्फर्म करता हूँ 123, और सिंपल हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये थोड़ी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये बुक्स की शेप में एक फाइल आ जाएगी और आपका डेटा जो है वो इसमें सेव हो जाएगा, उस पर पासवर्ड लग जाएगा। हम इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हमने वॉलपेपर के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। हम इसको चेक करते हैं, इसमें पासवर्ड लगा या नहीं। ओपन किया, अब मैं इस इमेज को ओपन कर रहा हूँ। आप देखने के जैसे मैंने इमेज को डबल क्लिक किया, ओपन किया, तो उसने पासवर्ड का दे दिया कि एंटर पासवर्ड। अब अगर मैं इसमें रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ और ओके करता हूँ तो कह रहा है कि पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। और अब मैं इसमें न्यू पासवर्ड मीन्स के जो हमने पासवर्ड लगाया था वो इंसर्ट कर देते हैं 123। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास इमेज ये ओपन हो गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने फाइल्स को, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं कि खाली हम जिसको पासवर्ड दें वही उस चीज़ को यूज़ कर सकें और इसके अलावा कोई और उसको यूज़ ना कर सके। तो WinRAR के जरिए आप इस तरह से किसी भी फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल MacGuide को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में शो कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के जरिए मैं आपको गाइड कर सकूँ।